डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वैक्सीन को जल्द मिल सकती है WHO की मंजूरी। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा अंतिम चरण का डाटा अच्छा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली समीक्षा बैठक। शहरी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को योजनाबद्ध रूप से गति देने का दिया निर्देश। राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। कहा प्रदेश में बढ़ रहे अपराध। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वार्ड 47 का किया दौरा। विकास कार्यों की ली जानकारी। सड़क का किया उद्घाटन। अफगानिस्तान से 31 अगस्त को अमेरिकी सेना का अभियान समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका सेना का अभियान 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। ज्यादातर सैनिकों की वापसी हो चुकी है। सैनिकों की वापसी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है और इस अभियान में गति ही सुरक्षा है की नीति का पालन किया जा रहा है। बाइडेन ने आगे कहा कि जैसा कि मैंने अप्रैल में कहा था, अमेरिका ने वह किया जो हम अफगानिस्तान में करने गए थे। इस अभियान का मकसद 9/11 को हम पर हमला करने वाले आतंकवादियों का पता करना और ओसामा बिन लादेन तक न्याय का संदेश पहुँचाना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक राहत भरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक की वैक्सीन को वैक्सीन के अंतिम चरण का डाटा अच्छा है, जिससे कि वैक्सीन को WHO से मंजूरी मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि टीके की समग्र प्रभावकारिता कई वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता उम्मीद से कम है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी अच्छा है। वैज्ञानिक ने कहा कि कोवैक्सीन की सुरक्षा प्रोफाइल अब तक WHO के मानकों को पूरा करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर शहर में प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारी शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास, सौंदर्यीकरण, जल निकास प्रणाली एवं सीवरेज कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करें, ताकि शहरवासियों को जल भराव और यातायात जाम की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय लोगों की आवश्यकता और जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप इन कार्यों को योजनाबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने इन कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रदेश में गत 2 दिनों में जिले में हुई 2 हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही डीजल, शराब और हथियारों की तस्करी को भी उन्होंने बड़ा खतरा बताया है। चूरू दौरे के दौरान उन्होंने कई चौपालों में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से अभाव अभियोग भी सुने। इसके साथ ही राठौड़ ने मृत्यु भोज बंद करने की अपील की। गाँव के बुजुर्गों ने इससे सहमति जताई है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वार्ड 47 का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने एक सड़क का कार्यकर्ताओं के साथ उद्घाटन किया। मंत्री खाचरियावास के साथ हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुजर भी साथ रही। इसके बाद मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी और लोगों से बातचीत की। जयपुर एयरपोर्ट से अब फ्लाइट संचालन में सुधार हो रहा है। इन दिनों एयरपोर्ट से रोज औसतन 16 फ्लाइट संचालित हो रही है। 16 जुलाई से अब 2 और फ्लाइट्स जुड़ेंगी। ये फ्लाइट अहमदाबाद और सूरत के लिए शुरू होंगी। अभी जयपुर से सूरत के लिए कोई भी सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब 16 जुलाई से स्पाइस जेट सूरत के लिए नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इसके अलावा अहमदाबाद के लिए भी 16 जुलाई से स्पाइस जेट नई फ्लाइट शुरू करेगी। दातारामगढ़ के डांसरोली निवासी हरीश परसवाल ने अपना जन्मदिन गौशाला और गरीबों के बीच मनाया। उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाकर अपना जन्मदिन मनाया। परसवाल हमेशा गरीबों की मदद के लिए आगे रहते हैं। परसवाल ने गांव सहित आसपास की सभी गौशालाओं में गायों को चारा खिलाया और डांसरोली गांव की गौशाला में 5 कार्टन गुड़ के गौशाला को भेंट किए। परसवाल का कहना है कि इस कोरोना महामारी में गरीबों की मदद के लिए तो हमेशा आगे आते जा रहे हैं, परंतु गौशालाओं में गायों की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में मैंने मेरा जन्मदिन इन गायों को चारा और गुड़ खिलाकर मनाया है। राजस्थान ATS और SOG टीम ने बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। ATS और SOG सीमा पार से आई 22 किलो हीरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया था। उसके साथ ही ATS ने आरोपियों से एक बोलेरो, एक मोटरसाइकिल भी जब्त की थी। इस मामले में देरावर सिंह, कालू सिंह, खेत सिंह और देवी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों को SOG और पुलिस ने ACGM के सामने पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। बाड़मेर के सिंधरी में चोर बड़ी सेंधमारी करते हुए 24 लाख रुपए और 4-5 तोला सोना लेकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर FSL और साइबर टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। घटना के दौरान परिवार घर के आंगन में सो रहा था। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सिंधरी चारनान भीलो की बस्ती निवासी मांगाराम ने बताया कि रात को वेढ़ाणी के बाहर की तरफ सो रहा था और उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे आंगन में सो रहे थे। सुबह जब उठे
तो एक कपड़ों वाली अटैची ढाणी से बाहर की तरफ फेंकी पड़ी थी। जब रूम में जाकर देखा तो रुपए और गहनों वाली अटैची नहीं थी, जिसमें 24 लाख रुपए, 5 तोला सोना और 2 किलो चांदी थी। कमजोर वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 193.9 अंकों की गिरावट के साथ 52,375.85 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61.40 अंक नीचे 15,666.50 के स्तर पर खुला। आज 1053 शेयरों में तेजी आई, 725 शेयरों में गिरावट आई और 72 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।